सभी सैनिकों और पूर्व सैनिकों के लिए भारत सरकार की तीन बड़ी खबरों को लेकर फिर से हाजिर हूं। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। दोस्तों सबसे पहली घोषणा है महंगाई को लेकर। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि अभी महंगाई कितनी बढ़ रही है। इस बढ़ती हुई महंगाई को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने सभी केंद्रीय कर्मचारी के लिए RMA यानी राशन मनी अलाउंस और SRA यानी स्पेशल राशन अलाउंस को उनको बढ़ा दिया है। अगर जवानों की बात करें तो उनको एक दिन का RMA यानी राशन मनी अलाउंस 127.90 रुपए और SRM 136.90 रुपए मिलता था, उससे बढ़ाकर अब RMA 255.78 कर दिया है और SRM 272.76 कर दिया है। दूसरी अच्छी खबर सभी पेंशनर भोगियों के लिए है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो पेंशन में बढ़ोतरी है वह 80 साल के बाद की जाती थी, लेकिन इससे राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र जी ने यह अपील की है कि पेंशन भोगियों की पेंशन बढ़ोतरी 65 साल से ही शुरू कर दी जानी चाहिए। और तीसरी बड़ी घोषणा फौजी भाइयों के सीने में चमक रहे मेडल को लेकर। जैसा कि आपको पता है कि आज़ादी के 25 साल बाद सैनिकों को एक मेडल दिया गया था, जो कि 1972 में दिया गया था। उसके बाद 1997 में 50 वर्ष पूरे होने की खुशी में फिर से एक मेडल दिया गया था। इस बार आने वाली 15 अगस्त को पूरे देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और इस शुभ अवसर पर सैनिकों को और एक मेडल दिया जाएगा, जो कि देश की आज़ादी के 75 साल पूरे होने की खुशी में है। दोस्तों इन तीन खबरों में आपको कौन सी खबर अच्छी लगी, अपने विचार जरूर रखें और हमारे इस चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू।